अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं, इंडिया का प्रयोग हुआ, तब अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। पिटीशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमारा हमसे डर कर, इस गठबंधन से डर कर, उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा, नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है जुड़ेगा भारत। देखिए एक चीज स्पष्ट जान लीजिए, ये भारत है और भारत में हम रहते हैं। पंडित चाणक्य ने सपना देखा था इस देश का, उसका नाम भी भारत था। और महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था, सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम है और नाम बदल रहे हैं भारत का। पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आपका। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये तो। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं। अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ, तब अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। तो इंडिया माता की जय तो नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय ही बोलेंगे। और जनगण मन के अंदर भी भारत भाग्य विधाता आया है, इंडिया भाग्य विधाता नहीं आया है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने अपने निमंत्रण पत्र में, सरकार के G20 के निमंत्रण में अगर भारत शब्द का प्रयोग किया है, तो अनावश्यक लोग उस पर आपत्ति कर रहे हैं। तो देखिए, भारत शब्द बोलते ही इस देश की सभ्यता, संस्कृति, ये लोगों के ध्यान में आती है। इंडिया से वो भाव पैदा नहीं होता है। हम भारत माता, भारत शब्द जो है इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। और ये जो महागठबंधन के लोग हैं, इनको हर वो चीज़ जो सनातन है, जो हिंदू है, जो भारतीय है, उससे इनका विरोध है। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करना है उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और ये जो प्रचार कर रहे हैं कि नाम बदल देंगे, बाकी कर देंगे, और नाम बदलने की जरूरत क्या है? संविधान में तो दोनों है। आपको अगर अच्छा लगता आप इंडिया शब्द प्रयोग कीजिए, हमको अच्छा लगता भारत, हम भारत शब्द प्रयोग करेंगे। दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, जो इंडिया शब्द है वो जो गुलामी की मानसिकता है, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उसको दर्शाता है। हिंदी भाषी कोई व्यक्ति इंडिया शब्द प्रयोग करता है क्या? गुजराती, अन्य जो भाषा भाषी लोग हैं, असमिया हो, बंगला हो, गुजराती, सब लोग तो भारत शब्द प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द तो केवल अंग्रेजी जानने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो संविधान में भारत भी है, इंडिया भी है, जिनको जो पसंद आए उसका इस्तेमाल करें। हमको लगता है कि भारत ज़्यादा बेहतर शब्द है, हम भारत प्रयोग करेंगे। अगर लगता नीतीश जी को, ललन जी को, तो इंडिया शब्द प्रयोग करें, कौन उनको मना करता है? लगाए नारा इंडिया माता की जय बोलें, तो इसलिए उनको इंडिया माता की जय बोलने से किसी ने मना नहीं किया है, वो लगाए नारा। लेकिन ना तो उनको भारत माता की जय बोलना है, ना उनको इंडिया माता की जय बोलना है। उनको नरेंद्र मोदी का विरोध करना, जो काम नरेंद्र मोदी करेंगे उसका विरोध करना। अब वन नेशन वन इलेक्शन, उसका विरोध हो रहा है। अब ये जो उदयनिधि स्टालिन है, वो भारत की संस्कृति को गालियां दे रहा, कह रहा है कि सनातन धर्म को हम नेस्तनाबूत कर देंगे। ये सारे लोग उसके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। कर्नाटक के एक मंत्री ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। नहीं, ये कह रहे हैं कि जब हम नेता सारे इकट्ठे हो गए हैं प्रतिपक्ष के, और इंडिया नाम रखा, तो फिर इनको इससे आपत्ति हुई। हाँ, आपत्ति हमको ये बदलने की बात, कहाँ हमको आपत्ति? आप इंडिया रखिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आप इंडिया अलायंस जो है, क्या इंडिया माता की जय का नारा लगाएगा? लगाए नारा, तब तो समझ में आएगा। और भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत, जिनको लगता है इंडिया प्रयोग करें, जिनको लगता है भारत प्रयोग करें, तो दोनों में कोई ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिया अगर प्रयोग करेंगे तो आप देशद्रोही हो गए, या हम भारत प्रयोग करेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। आपको लगता तो इंडिया प्रयोग कीजिए। तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों थी? इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं नाम रखा? राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली उसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। और अभी भी तो आप कह रहे हैं कि भारत जुड़ेगा, आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं,
तो ये देखिए अनावश्यक नाहक विरोध कर रहे हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति ने अगर G20 के भोज के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द प्रयोग किया, या नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत प्रयोग किया जा रहा है, आप इंडिया प्रयोग कीजिए, इसमें कौन मना करता है। इसलिए इस दोनों में कोई विरोध नहीं, लेकिन भारत जो है ये इस देश की सभ्यता संस्कृति को प्रतिबिंबित करता। भारत बोलते ही एक माँ का चित्र उपस्थित होता, लगता है कि इस जमीन के साथ हमारा एक भावनात्मक लगाव है। वो भाव इंडिया शब्द से पैदा नहीं होता है, इसलिए अगर नीतीश जी को ज्यादा बढ़िया लगता तो इंडिया शब्द पर। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे, बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। आप लोग भारत नाम रख रहे हैं। देखिए एक चीज स्पष्ट जान लीजिए, ये भारत है और भारत में हम रहते हैं। पंडित चाणक्य ने सपना देखा था इस देश का, उसका नाम भी भारत था। और महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था, उसका भी नाम भारत था। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने कई बार कहा है कि हम भारत के रहने वाले हैं। तो लालू जी को ही, क्योंकि नीतीश जी के आज साथ आजकल साथ हैं, तो हो सकता है उनको भी पलटी मारने का आदत हो। ललन जी ने कहा है कि आप लोग हर चीज का नाम बदलकर अपने नाम पर रखना चाहते हैं। कहां हम लोगों ने ललन जी का नाम बदला है? बदला है, नीतीश जी का नाम बदला है? नहीं ना बदला है, वो स्वयं बदलते रहे हैं। ललन जी ने अपना नाम बदला था 2000 में, राजीव रंजन सिंह थे, और 2009 के चुनाव में राजीव रंजन सिंह उप ललन सिंह हो गए, तो उन्होंने नाम बदला। तो हमारे तो बड़े भाई हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के अनुकरण को करते हैं। दूसरा कि नीतीश जी का नाम तो किसी ने बदला नहीं, उनके बड़े भाई ने कहा पलटू कुमार है, तो पलटू कुमार से बात की। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब Article 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे, इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं, इसका प्रतिकार होगा ना। आप इंडिया हमसे ले पाओगे ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोह।